जो हम ये जो है अध्याय सात अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम रोजगार समृद्धि और अनौपचारिक और अन्य मुद्दे के बारे में जो हम पहले आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बता चुके हैं उसके ये प्रश्न उत्तर हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि श्रमिक किसे कहते हैं, श्रमिक क्या क्या करता है। श्रमिक वह होता है जो क्रियाकलापों और आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है जिसमें संलग्न सभी व्यक्ति श्रमिक कहलाते हैं, मतलब जो भी कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम श्रमिक कहते हैं। अब इसमें उच्च निम्न किसी भी स्तर के कार्य हो सकते हैं, बीमारी, चोट, शारीरिक विकलांगता, खराब मौसम, त्यौहार, सामाजिक धार्मिक उत्सवों के कारण अस्थायी रूप से काम पर ना आने वाले भी श्रमिक में ही शामिल होते हैं। लेकिन कुछ मुख्य की सहायता करने वाले भी हम उनको भी हम श्रमिक ही मानते हैं। श्रमिक अनुपात की परिभाषा दीजिए। इसमें देश की जनसंख्या लगभग 100 से गुणा कर देने पर हमें श्रमिक जनसंख्या का अनुपात भी प्राप्त हो जाते हैं। क्या ये भी श्रमिक है? एक भिखारी, चोर और तस्कर, एक जुआरी जो है, क्या वह भी है? क्यों? अब इसमें देखेंगे कि वास्तविक उत्पादन कोई योगदान नहीं है, लेकिन धन कमा नहीं रहे हैं बल्कि धन प्राप्त कर रहे हैं। धन कमाना उसे कहा जाता है जब धन प्राप्ति के बदले वस्तु या सेवाओं का उत्पादन किया जाए। फिर यहाँ पर देखेंगे इस समूह में कौन असंगत प्रतीत होता है, जैसे नाई की दुकान, एक मोची है, मदर डेयरी का गौशाला है, ट्यूशन पढ़ाने वाला शिक्षक है, कंपनी है, संचालक, निर्माण मजदूर, ये सब क्या है, एक कोषागार असंगत प्रतीत होता है क्योंकि इसमें औपचारिक रूप से कार्यरत, जैसे मर्डर डेयरी एक पैमाने पर उपक्रम है, 10 लोग भी कार्यरत हैं, शेष सभी अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यरत हैं। फिर यहाँ देखेंगे नए उभरते रोजगार का मुख्यतः सेवा क्षेत्र ही मिल सकते हैं। 4 व्यक्तियों को मजदूरी काम करने प्रतिष्ठान को अनौपचारिक क्षेत्र कहा जाता है। फिर यहाँ पर है राज स्कूल जाता है तो वह क्या स्कूल में नहीं होता है, प्राय खेत में काम करता दिखाई देगा तो श्रमिक मानेंगे क्यों? यदि हाँ तो श्रमिक मानेंगे क्योंकि वह सकल राष्ट्र उत्पादन अपना योगदान दे रहा है और उसे हम श्रमिक ही कहेंगे। फिर शहरी महिलाओं की अपेक्षा ग्रामीण महिलाएं काम करती दिखाई देती हैं, तो शहरी की तुलना में अधिक ग्रामीण महिलाएं काम करती दिखाई देती हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक गरीबी है और फिर ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू कार्यों की उपलब्धता भी पाई जाती है और फिर शहरी क्षेत्रों में अधिक स्तर पर चेतना होती है जिसमें कि उच्च ज़्यादातर पुरुष ही कमा रहे होते हैं और शहरी क्षेत्र में अधिक अपराध दर, शहरी क्षेत्र के लोग स्त्रियों का काम करना असुरक्षित रहता है इसलिए यहाँ पर स्त्री काम करती ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। फिर देखेंगे कि मीना एक गृहिणी है लेकिन घर के कामों के साथ अपने पति के कपड़े काम हाथ बटाती है, तो हाँ यह एक श्रमिक है क्योंकि वह अपने पति के काम में हाथ बटा रही है। यहाँ किसे असंगत मान सकते हैं, जैसे जूसा पॉलिश करने वाला कपड़ा ये स्वाने देते हैं क्योंकि ये मजदूरी, ये सभी मजदूरी श्रमिक है क्योंकि ये अधिक निश्चित में अपने वेतन कार्य पर कार्य कर रहा है। फिर देखेंगे शहरी क्षेत्र में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी अधिक क्यों होते हैं, यहाँ इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर सेवा क्षेत्र में प्रभुत्व है, सेवा क्षेत्र में नियमित वेतन श्रमिक अधिक हैं, इसमें शिक्षा का स्तर जो है वह भी उच्च है और नियमित वेतनमान यहाँ पर प्राप्त होता है और यहाँ पर कार्यस्थल की प्रतिबद्धता कुछ स्तर शहरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर देखेंगे निम्न सारणी 72-73 के बीच में जो है, पुरुष जो है ग्रामीण में 12.5% है, शहरी क्षेत्र में 3.2 है, महिलाएं 6.9 है और यहाँ कुल हम देखेंगे 19.5 और 3.9। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यदि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना यदि हम करेंगे तो जनसंख्या में जो अंतराल है वो तो कहना गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 72-73 में जो श्रम शक्ति है 19.5 करोड़ थी जबकि 12.5 करोड़ 88% ग्रामीण क्षेत्र में रह रही थी। फिर यह तालिका से स्पष्ट होता है कि पुरुषों की तुलना महिलाएं जो है अधिक कार्यरत हैं और जबकि महिलाओं का काम घरेलू कामकाज करना, बहुत से घरेलू काम में स्त्रियां करती हैं, श्रम आर्थिक कार्य में नहीं आते हैं लेकिन कुशलता की आवश्यकता में यह भी एक कारण है। फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक महिलाएं कार्यरत हैं, इसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता अधिक है, स्त्रियों कार्य करने को मजबूर होता है, घरेलू कार्य, खेती बाड़ी, पशुपालन आदि उपलब्ध होते हैं और सामाजिक स्तर पर ये उसके प्रति वे सचेत रहती हैं और ऐसा करना बेइज्जती जैसा लगता नहीं है और वे स्त्रियों कार्य स्तर में असुरक्षित भी होती हैं। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि 1999-2000 की जनसंख्या श्रमिक अनुपात दिखाया गया है तो यह पूरा अनुपात है। फिर है नियमित वेतन भोगी कर्मचारियों की महिलाएं कम क्यों है, इसमें पुरुषों में शैक्षणिक योग्यता को उच्च स्तर, नियमित वेतन नौकरियों के लिए उच्च शिक्षा के स्तर की आवश्यकता होती है पुरुषों में अधिक पाई जाती है। यहाँ पर कार्य पुरुषों के कार्य में जीवन प्रति अधिक प्रतिबद्धता है, पुरुषों के कार्य जीवन की प्रतिबद्धता स्तर होती है इसलिए स्त्रियों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, पूर्वाग्रह सामाजिक पूर्वाग्रह भूमिका निभा रहे होते हैं और महिलाओं के करियर में ठहराव, विवाह के समय स्त्रियों के
अपना घर बदलना पड़ता है, जन्म के समय उन्हें एक समयावधि के लिए नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ती है, बहुत सी महिला संतान लालन पालन के लिए श्रम बाजार से बाहर। क्या औपचारिक क्षेत्र में रोजगार का सृजन आवश्यक है, अनौपचारिक में नहीं, कारण बताइए। हाँ, यह आवश्यक है कि निम्न में क्षेत्र में रोजगार सृजन करना होगा, जैसे कर्मचारियों को अधिकार सुनिश्चित करना, सुरक्षा और रोजगार की नियमित सुनिश्चित करना, गुणवत्ता कार्य जीवन सुनिश्चित करना, सरकार नियंत्रण में रखती है, अनुशासन में गैर नियम लाना, ये सारी आवश्यक है। फिर क्या गांव में रह रहे लोग ग्राम पंचायत सलाह देने कहा जाए? जिस प्रकार हम क्रियाकलाप का सुझाव देंगे उसी प्रकार से रोजगार सृजन भी है, जैसे नहरों और नलकूप का निर्माण करना, सिंचाई की सुविधाएं सुधार हो, स्कूल अस्पतालों का निर्माण हो, सड़कों का भंडारण गृह हो, कृषि आधारित उद्योगों का विकसित करना, छोटे पैमाने में उद्योग जैसे लघु उद्योग या कुटीर उद्योग की स्थापना करना, जिसमें टोकरी बनाई करना, अचार बनाना, कढ़ाई आदि विकसित करना। फिर देखेंगे अनियत दिहाड़ी मजदूर कौन होते हैं। अनियत दिहाड़ी मजदूर होते हैं जो अनियत उदाहरण के लिए निर्माण मजदूर कुछ समय के लिए जैसे आते हैं काम करके और वह चले जाते हैं। आपको यह कैसे पता चलेगा उन्होंने क्षेत्र काम करते हैं? उसमें जिसमें प्रतिष्ठान में व्यक्ति कार्यरत है कुल कर्मचारियों की संख्या यदि कुल कर्मचारियों की संख्या से भाग दे देंगे तो व्यक्तिगत औपचारिक क्षेत्र विनियोजित हो जाएगा। इसी तरह से लिखित अनुबंध आदि, एक व्यक्ति नियोक्ता के साथ लिखित अनुबंध होता है, प्रत्येक लाभ मिल रहा है, यदि नहीं तो इस तरह से धनाढ्य होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि अतिरिक्त मिल रहे या नहीं एक व्यक्ति धनाढ्य, अतिरिक्त लाभ पेंशन बोनस पीपीएफ समेत छुट्टी भविष्य निधि मातृत्व लाभ आदि मिल रहे हैं, वह औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत कहे जाएंगे।